हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इट मीन्स करंट के देखा जाए तो दो इफेक्ट हो गए, एक तो हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक। तो क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मींस कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का आना। यहां पर क्या था, हीटिंग इफेक्ट में कि इलेक्ट्रिसिटी में आया, तो इसे हीट हुई, हीट से वो सब समथिंग चीजें हैं सारी आपको क्लियर रहेंगी। मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसी की हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस क्या हुआ कि करंट फ्लोस यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या करता है, अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कि सब चीज को अपनी तरफ, यदि आप इसको कैसे प्रूफ हुआ कि इसके पास में यदि हम कोई वायर है उससे हम करंट फ्लो करेंगे तो, और यदि इसके पास में कोई कंपास लेके जाएंगे तो कंपास क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ऑयस्टर ने की थी, इसने इसकी डिस्कवरी की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। कि सबसे पहले उसने ही देखा, उसने क्या देखा कि कोई करंट कैरिंग वायर है उसके पास में कंपास लेकर जाएं तो वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे किया कि वायर लिया, वायर सपोज ये नॉर्थ है साउथ, तो करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, उसने कंपास को क्या करा, इसके ऊपर यहाँ रख दिया। तो जब तक इसमें करंट का फ्लो नहीं करा तो इसकी जो नीडल थी वो अपवर्ड थी। इसमें नीडल कैसे होती, कंपास कैसे, उसका स्ट्रक्चर होता है कंपास का, आपने देखा होगा अंदर इस तरह से नीडल होती है, एक कलर्ड होती है, वो होती है मोस्टली रेड कलर की, उससे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरा होता है साउथ। तो यदि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो निडल रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लेकिन जैसे करंट को हम फ्लो करते हैं तो निडल क्या होती है, रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। यदि हम करंट को करेंगे यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो निडल किस तरफ करती है, ये हो गया वेस्ट ईस्ट, ईस्ट साइड करती है। और यदि इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो जो कंपास के निडल है वो वेस्ट साइड। इसके अलावा यदि कंपास को इसके ऊपर रखा हुआ है, हमने ऊपर रखने के बदले यदि हम इसके वायर के नीचे बिलो रख देंगे तो भी ये रिफ्लेक्ट, इसका अपोजिट हो जाता है। ये मैं पूरा डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, उससे पहले, और इसका भी रूल होता है वो बाद में बताऊंगी, उससे पहले रहते कि क्या मैग्नेटिक क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक, और क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, लाइन्स क्या होती है, क्योंकि उनके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए तभी आप लोग करते हैं। नॉलेज तो आपको होगी बट जरूरी ही सब बच्चों को क्लियर नॉलेज हो। तो एक तो पहले इसकी जो मैग्नेट की डिस्कवरी जो हुई थी, सबसे पहले क्या देखा गया, करीब 800 BC, इतनी पुरानी बात है, बहुत पहले एक स्टोन की डिस्कवर, स्टोन मिला, वो डिस्कवर हुआ, वो क्या कर रहा था कि आयरन को अपनी तरफ अटैक कर रहा था, आयरन की किसी भी पीस को, और उस स्टोन का जो है बाद में नाम, लेटर नाम दिया गया मैग्नेटाइट नाम दिया गया। फॉर्मूला आयरन थर्ड, थ्री है ना आयरन थर्ड, तो Fe3O4। तो ये एक स्टोन मिला, उसका नाम बाद में जो लेटर दिया गया मैग्नेटाइट, और फॉर्मूला ये है। तो वो उसने क्या किया, आयरन को रिफ्लेक्ट, फिर बाद में अपने सबने अलग अलग वो करी और ये देखा कि ये इसमें से जो है एक पॉइंट से जाकर दूसरे पॉइंट पे फोर्स लग रहा, वो सब चीज़ डिस्कवरी होती रही। उसके अकॉर्डिंग फिर आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो पूरी डिस्कवरी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो करा गया, फिर उसके कंपास के अकॉर्डिंग देखा गया, वो सब चीज़ें अलग चीज़ें होंगी, वो हमें यहाँ पर डिस्कवरी इन सब चीज़ों की हम नहीं करेंगे। सिर्फ सिंपल सा है, डिस्कवरी कभी इसमें हुई और स्टोन हुआ, उसका नाम ये था। तो जो चाइनीज़ थे, चाइनीज ने उस स्टोन का नाम दिया लोड स्टोन,
लोड स्टोन नाम दिया। ये आपको लर्न करना है कि जो चाइनीज हैं उन्होंने इसका नाम दिया लोड स्टोन। ओके, तो ये आपको लर्न करना किस में डिस्कवरी हुई, कौन सी थी, मैग्नेटाइट एक तरह से ओर हुई है, ये ओर हुई, ये मिला वो मैग्नेट को अपनी तरफ, जो आयरन थे उनको अटैक कर रहा था और उन्होंने चाइनीज से क्या नाम दिया, लोडस्टोन नाम दिया। अब ये मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं, ये आपको जो ये आपका नेचर अकरिंग के अकॉर्डिंग, एक तो नेचुरल होते हैं, नेचुरल इसका ओनली वन ही है, क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, जो अभी अभी मैंने आपको बताया किसकी डिस्कवरी कौन सी हुई थी, वही उसका सोर्स वो हैगा इसका मैग्नेट का, उसका क्या नाम है आपका, ये लोडस्टोन, लोडस्टोन। दूसरा है मैनमेड और आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये आयरन एंड निकल इस एलॉय का बना हुआ होता है, अलग अलग आयरन निकल से और दूसरे कंपोजिशन होंगे बट बेसिकली क्या होता है आयरन निकल। मैं दो एक दो नाम आपको बताती हूँ, आपने जो ये जो मेटल वाला चैप्टर है उसमें आपने करा हुआ भी, एक तो एलॉय, क्योंकि ये बनता है एलॉय से, जो मैनमेड है और आर्टिफिशियली किससे बनते हैं, एलॉय से बनते हैं, एक तो है एल निको, मैंने उसमें बताया विद एलॉय एल निको। देखिए आयरन एंड निकल तो हो गए, देखिए कैसे याद करेंगे, आयरन एंड निकल, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट, याद हो गए इन चारों से मिलके क्या बना, एल, आयरन और निकल तो हुई, एल्युमिनियम एंड कोबाल्ट, एल्युमिनियम, एक तो ये एलॉय है। दूसरा एलॉय का नाम आपको और बता देती हूँ मैं, ये है नाइपर, नाइपर ये दूसरा नेमिंग है, ये किस किस से बना है, यहाँ पे आयरन और देखिए निकल तो होना ही है, इसमें आयरन और निकल तो है ही, और दूसरे कौन से होते हैं, एक एल्युमिनियम होता है, फोर्थ वाला होता है इसमें आपका टाइटेनिक, फोर्थ इसमें कौन सा है, टाइटेनिक इसमें होता है। यहाँ मैं साफ लिख देती हूँ, यहाँ पर दूर हो गया, यहाँ लिख देती हूँ इस जगह पर, नाइपर मैक, क्या क्या है इसमें, एक तो आयरन, निकेल और एल्युमिनियम, एक टाइटेनिक। तो देखिए ये तीनों सेम सेम है, सिर्फ ये चेंज हुआ है, ठीक है, आपने नाइपर मैग, MEG में, ये दो एलॉय हैं जिन जो कि मैनमेड, ये इनसे क्या बनता है, मैनमेड बनता है। अब दूसरा मैग्नेट आपको पता है, ये शेप कई तरह के होते हैं, एक तो क्या होता है बार मैग्नेट होता है, दूसरा हॉर्स शूज मैग्नेट होता है, जो ये जो हॉर्स शूज वाला होता है किस शेप का होता है, यू शेप का होता है, बार वाला रेक्टेंगल शेप का होता है, जो बार वाला है सभी है इसमें, देखिए दो हम इसके बारे में थोड़ा और बता दूं मैं, इसको सपोज मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो इसमें पोल क्या होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो दो पार्ट में होगा तो यहाँ फिर से वापस से नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही आ जाएगा, सिर्फ यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, और हाफ कर देंगे उसकी 1/4 हो जाएगी, यदि हम सेंटर से कर रहे हैं, कहीं से करेंगे तो डिपेंड करता है कितनी वो कहाँ से कर, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, बट पोल अलग अलग जितने भी पीसेस करेंगे, छोटे से छोटा भी पीस होगा उसमें दो ही पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ये दो ही पोल होंगे इसमें जरूर से ही। और ये फिर हम बात कर थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और मुझे आपको बताना है यहाँ पर, कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट की तरह है, यू नो नॉर्थ पोल एंड साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, तो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, एक्चुअल में मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो तो होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ, इसीलिए कोई जो ये आपका बार मैग्नेट है उसको यदि फ्रीली सस्पेंडेड है वो, तो ऑलवेज क्या होती है वो, देखिए देखते होंगे ऐसे करके होती है वो, मीन्स यहाँ इसका नॉर्थ होगा इधर साउथ, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्योंकि ये जो अर्थ हमारी है, अर्थ एक तरह से पूरी की पूरी क्या है, एक तरह से मैग्नेट की तरह, क्यों मैग्नेट करती है अर्थ, हमारा मैग्नेट से बिहेव क्यों करती है, बिकॉज यू नो अर्थ के क्रस्ट में मैग्नेट है, और अर्थ के क्रस्ट में कौन सी आपकी आयरन की है, तो आयरन के स्पिनिंग, आयरन ओर की स्पिनिंग होने के कारण ही
ये एक तरह से जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ होगी, लाइक अ बिहेव वो उसकी तरह से बिहेव करती है, और जो भी हमारे जो जो कंपास के निडल है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि पूरा अर्थ हमारी क्या है, एक तरह से मैग्नेट की तरह है। बट ये चीज यहाँ ध्यान रखिएगा वाली चीज के लिए जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर ये जो इसका ये जो नॉर्थ पोल जो आपका ज्योग्राफिकली जो नॉर्थ पोल अर्थ का है एक्चुअल में वो मैग्नेट का साउथ पोल है, और अर्थ का जो ज्योग्राफिकली साउथ पोल है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। इसीलिए यदि हम कंपास के निडल है, क्योंकि कंपास भी क्या है, कंपास भी बीच में क्या एक तरह से बार मैग्नेट ही है, छोटी सी मैग्नेट ही है वो, ऐसे करके होती है यूनो, एक तरह से मैग्नेट ही है। तो यदि उसको हम नॉर्मल रख देंगे तो वो जिस तरफ वो हमेशा क्या होगी, निडिल जिस तरफ दिखा रही रखी हुई, इट मीन्स वो किधर दिखा रही, उससे जो रेड वाला कलर है वो होगा जहाँ रखी हुई है, तो वो क्या होगा, वो होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। और यदि हम जैसे बार मैग्नेट को किसी से यहाँ पे ऐसे लटका देंगे तो ऑलवेज आपको यही दिखेगा कि नॉर्थ इधर साउथ इधर, क्योंकि बिकॉज ये साउथ है ये नॉर्थ, इसलिए ये इस तरह से होता है, क्योंकि छोटा एक क्वेश्चन इस पर आ जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में आपको पता ही चल गया मैग्नेट क्या होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ मैग्नेट फील्ड लाइंस क्या होती है। हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मैग्नेट है तो हम इसके पास में ये आपके कंपास, सपोज ये नॉर्थ है साउथ है, उल्टा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, साउथ इधर नॉर्थ होगा। कंपास के निडिल रखिए, तो हम यहाँ पर जब कैसे होगा देखिए, यहाँ पर निडिल जिधर होगी उसके अगर डॉटेड हम लाइन बनाते चले जाएं तो इधर तो साउथ होगा इधर नॉर्थ होगा, ऐसे करके लाइनें बनेंगी। और जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी कि जो बाहर जो आउटर में होती है लाइंस वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है, बट अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो यदि निडिल रखेंगे तो इधर ऐसे ही करके पूरी निडिल की है बनेगी, और ऐसी बनता चला जाएगा, ये ऐसी जितनी भी लाइंस होंगी यहाँ बनेंगी। बट आप देखेंगे कि जो इसके पास में यहाँ पर बहुत क्लोज होती है, पोल के पास क्लोज होती है, उसके बाद के डिस्टेंस बीच में ज्यादा हो जाता है। अब इनकी जो ये जो फील्ड लाइंस हैं, इनकी थोड़ा सा मैं इनकी आप करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देती हूँ, मैं क्या इनकी इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है फील्ड लाइंस इसकी लाइंस की। ये एक तो इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि दोनों अलग अलग पोल हैं, तो ये समझते चलिए दोनों एक तरह से अलग चार्जेस हुए, ये ऐसे मान लीजिए आप। तो कभी भी एक तो ये जो नॉर्थ पोल और ये जो लाइंस जो बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये एक तो इंटरसेक्ट नहीं होती, पैरेलल होती है, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोल क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, टू पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट्स क्या है, ये कंटिन्यूअसली क्लोज कर्व है, कंटिन्यूअसली, ब्रेक कहीं से नहीं होगा, कंटिन्यूअसली क्या है, क्लोज कर्व है, हाथ नहीं आता है इसलिए मैं सब चीजें पहले लिख देती हूँ, मैं कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व है ये। फोर्थ पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि ये तो इंटरसेक्ट भी होगा, रिपेल वाला पॉइंट भी हो गया, और ये पैरेलल वाली भी हो गई पॉइंट, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व भी हो गया। और हाँ, एक ले सकते हैं कि पोल के पास एक क्राउडेड होती है, पोल के पास क्राउडेड, पोल के पास क्या होती है, ये क्राउडेड होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस बढ़ता चला। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ये मैं अब कैसे फील्ड लाइंस बनती हैं, कैसे क्या है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं, क्योंकि ये जैसे ये सपोज कैरिंग कंडक्टर है, तो जो उसकी जो ये आपका डिफ्लेक्ट करती है, ईस्ट की तरफ क्यों है, वेस्ट की तरफ क्यों है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।